जी प्यारे बच्चों, ये बताइए कि आपको ये बात ईमानदारी से समझ आई है? पहले जल्दी से बता दें, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं? कोई सवाल है आप लोगों का? कोई कंफ्यूजन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो फिर सुनिएगा आप मेरी बात आगे। हाँ, आगे छोटी सी एक बात सुनिए। 2016 रेगुलर के क्वेश्चन नंबर 8B पे जाएं सब बच्चे, 2016 रेगुलर क्वेश्चन 8B पे जाएं। चले गए 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8B। अगर आप गौर से देखें तो वहां लिखा है The work in process account in the journal ledger of Arbab company appear as follows। WIP का T account बना के दिया हुआ नजर आ गया। इसमें क्या क्या लिखा है आप बहुत अच्छे से जानते हैं माशाल्लाह, ठीक है। और कह रहे There was only one job in process, the material charge to this job amounted to 15,000। और फिर बोल रहे कैलकुलेट करो लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू दिस इनकम्प्लीट जॉब, और FOH अप्लाई होता है बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। 100% यही काम है, लेकिन हमें ये भी गिवन, लेकिन क्या आप ये निकाल सकते हैं? WIP एंडिंग आपको लिख के दी हुई है सवाल में, बताएं। उसने इसमें भी आपसे यही पूछा है कि WIP एंडिंग ये जो जॉब बची है, कैलकुलेट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू दिस इनकम्प्लीट जॉब, वर्क इन प्रोसेस में जो जॉब पड़ी हुई है उसमें लेबर और FOH बताओ, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, लेकिन WIP एंडिंग भी इस क्वेश्चन में लिखी हुई नजर नहीं आ रही। आप मुझे WIP एंडिंग बता सकते हैं? मेरी आवाज आ रही है, बता सकते हैं तो यस बोले, नहीं बता सकते तो नो बोले। समझ रहे हैं तो बोले सर वेट। यार बहुत स्लो रिस्पॉन्स है। मुझे दो स्टूडेंट्स ने मुझे अमाउंट बता दी है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग की, आप मुझे ये भी नहीं बता पा रहे कि आप बता सकते हैं या नहीं। कम से कम इतना ही बता दें बता सकते हैं। दो स्टूडेंट्स ने मुझे अमाउंट तक बता दिए और आप मुझे ये भी नहीं बता रहे कि आप बता सकते हैं या नहीं। कितने अफसोस की बात है। क्या कर रहे हैं आप लोग भाई, हैं? अचानक नजर लगती है आप लोगों को, मुंह पे काली इंक मल लें ऐसा करें। दुश्मा ये कैसे निकाला है बेटा 55,000 मेरा बच्चा, टोटल में मिस्टेक कर रही हो तुम। बेटा ये आपको क्या बना के दिया उसने, पढ़ो तो सही ना 8B के। अंग्रेजी तो पढ़ लो मेरा बच्चा कम से कम। अंग्रेजी नहीं पढ़ोगी तो सरनाम कैसे पढ़ाएंगे तुम्हें। अंग्रेजी तो पढ़ो, क्या लिखा था वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, क्या बना हुआ है ये जो आपको बना हुआ नजर आ रहा है नीचे या अगले पेज पे, ये क्या है? ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है जनाबे अली। अगर ये वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट है तो इसमें आपको सबसे पहले डेबिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि WIP का ओपनिंग नहीं होगा सवाल में। WIP में कितनी चीजें आती हैं वो लिखे नजर आ रही हैं। WIP का एंडिंग बैलेंस नहीं लिखा, लेकिन जॉब कंप्लीटेड लिखे नजर आ रही है। तो भाई आप खुद डेबिट का टोटल करके क्रेडिट को वो टोटल फर्ज करके डिफरेंस निकाल के नहीं निकाल सकती। सिंपल, तीनों डेबिट को प्लस करें और 90,000 माइनस कर दें, जो डिफरेंस आया वो WIP एंडिंग की वैल्यू है। और उस WIP एंडिंग के अंदर जो जॉब है उसमें मटेरियल की अमाउंट 15,000 उसने बता दी, तो लेबर और FOH ने बताया। अगर आप अभी भी ये सवाल ना कर सके तो मैं भी नहीं करवाऊंगा, यकीन करें। हाँ बस मैं जवाब पूछ लूंगा कल। अगर आप मुझे कल से मरा नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा सर आपने ये सवाल असाइन किया था और आपने बोला था इसकी वैल्यू बताओ, आप मुझे वैल्यू बताएंगे तो ठीक, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे भी गुस्सा आ जाएगा। और अगर उस दिन गुस्सा नहीं आया होगा तो मैं बता दूंगा कैसे निकली है। आपने 100% ऐसे करना है काम, ये जो आपको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन पर इस वक्त, 100% ऐसे काम करना है, सही है। और WIP एंडिंग मैंने आपको बता दी, आप सिंपल टी अकाउंट को बैलेंस करें, सारे डेबिट प्लस करें, क्रेडिट माइनस करें, आपको WIP एंडिंग पता चल जाएगा। ओके चलो, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ये भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं सब बच्चे। 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, इस सवाल को डिस्कस करके मैं आपके हवाले करूंगा, अगर आपका दिमाग चला तो, वरना फिर मैं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं फिर मेरे साथ कर लेना, या अभी अगर मेरे साथ करते हो तो क्या बात है, बेहतरीन काम हो जाएगा। मेरे साथ अगर कर लो तो जबरदस्त काम हो जाएगा। देखो इत्तेफाक से तरह रिक्वायर्ड देखो आज सवाल में, डायरेक्ट जाके सवाल का रिक्वायर्ड देखो, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी।
डॉक्टर क्या खुश होगी, खुश हो गई हमारी तबीयत तो। अब खुश तो तुम पहले से हो, वो एक अलग बात है। खुश बोला, खुश 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। चलो ओके। मटेरियल का अकाउंट सवाल में बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ नहीं है, क्यों नहीं है? सवाल में उसने खुद बताया हुआ है कि मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल 37,500। ओके तो मैंने कहा इस अकाउंट पे तो भेजो ला, लेकिन उसने बोला है टी अकाउंट बना के दिखाओ, कौन कौन से वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स। ओके अभी बना देंगे, नो प्रॉब्लम। ये तो हमारे दाएं हाथ का, दाएं हाथ की बाई उंगली का काम है। ओके चलो वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाएंगे। हाँ अच्छा, अब तुम लोग साथ दोगे, मेरा सवाल तुम्हारे सामने है। 2009 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 1, 2009 अस्फर इंजीनियरिंग वर्क्स हैड टू जॉब्स इन प्रोसेस एज फॉलोस। अस्फर इंजीनियरिंग के पास WIP में कितनी जॉब है और कब है? मार्च 1। तो ये क्या कहलाएंगी दोनों जॉब WIP? यार जल्दी तो रिस्पॉन्स करो ना, क्या हो गया तुम लोगों को बेटा? ये दोनों क्या कहलाएंगे? WIP ओपनिंग है ना। ओके शायद मैं तेज बोल रहा हूँ आज, मुझे ऐसा लग रहा है, आप हो सकता है मेरी कोई खामी हो, आप लोग सही जवाब दे रहे हो। WIP ओपनिंग, तो अब WIP ओपनिंग के अमाउंट आप निकालेंगे। हर जॉब में, हर इनकम्प्लीट जॉब में तीन फैक्टर लगे होते हैं, चाहे वो जॉब कंप्लीट हो चाहे वो इनकम्प्लीट हो। सबसे पहले 18 में क्या लगा हुआ है? मटेरियल 50,000, लेबर 36,000, और तीसरी चीज क्या होती है बोलो? पूरा नाम लिखना, पूरा नाम बोला भी मैंने, पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिखना बोल भी रहा हूँ लेकिन नहीं पूरा नहीं लिखेंगे। मरियम परवेज डायरेक्ट मटेरियल तो दिया हुआ है ना 50,000, जॉब 18 में, डायरेक्ट लेबर भी दी हुई है, क्या नहीं दिया हुआ? हफ्सा पूरी स्पेलिंग लिखने को नहीं बोला, पूरा नाम बोला है। फैक्ट्री ओवरहेड FOH अप्लाइड बोलना है, रिमशा अप्लाइड बोलना है, शुक्रिया। अप्लाइड नजर आ रहा है? नहीं सर, फिर क्या करें? तो भाई तमीज से सवाल पढ़ो, अप्लाइड FOH के बारे में क्या लिखा है? अप्लाइड FOH ₹3 होता है पर डायरेक्ट मशीन आर, यानी जॉब 18 पे FOH होने का रुझान अलग है, जॉब 19 पे FOH का रुझान अलग है। तो बताओ जॉब 18 में FOH किस पे बेस करता है? डायरेक्ट मशीन आर पे। तो कितने मशीन आ रहे हैं इसमें, क्या करोगे उसे? दो है, सही था लेना, दो है। जॉब 18 में मशीन आर दो है मेरा बेटा, 3,000 है, उसे क्या करोगे? ना 3,000 है ना मेरा बेटा, एक का है जॉब 18 में मशीन आर्स, ऊपर लिख के तो दिए डायरेक्ट मशीन आर्स 3,000, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्या पता चल गया, क्या पता चल गया? 9,000 मत बोल देना, शुक्रिया। 9,000 मुझे भी बताए, क्या पता चल गया? पूरा बको पूरा FOH अप्लाइड, जॉब 18 की कीमत निकल आई, जॉब 18 की कीमत निकल आई बोलो। अब 19 की जल्दी बताओ तुम सब मुझे फटाफट, काम तेज करो जरा, 19 की तुम लोग बताओ मुझे फटाफट। ओके जितनी देर मैंने यहाँ फॉर्मेटिंग की इतनी देर आप लोगों ने यकीनन क्या कर लिया, 2009 मार्च 1।
चलें जनाबे अली, मुझे मेहरबानी फरमा के बताएं जॉब 18 की कीमत क्या निकाली थी हमने? जॉब 18 की कीमत क्या निकाली थी हमने? 18 की पूछ रहा हूँ, 18 की जॉब 18 की कीमत बता दो। 95,000, 50, 36 और 9, सही है 95। और 19 की कीमत बताना मेरा बेटा, इसमें FOH अप्लाई होता है लेबर आर पे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया होगा, 40 और 30 70, 70,000 आया, 70 और 95। अब अगर कोई यहां 70 और 95 लिख दे, यानी 1,65,000 लिख दे, वो बिल्कुल गलत नहीं है, बेहतरीन है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? 1,65 कैसे आया? जॉब 18 पे ऑलरेडी खर्च हो चुके हैं 95,000, जॉब 19 पे खर्च हो चुके हैं 70,000, दोनों को प्लस करके मैंने लिख दिया 165। और अगर कोई चाहे तो ऐसे लिखे, बैलेंस BD आगे लिखे जॉब 18, सही है, और 18 की कीमत लिख दे कितनी, 95,000, फिर लिखे जॉब 19, अमाउंट लिखे 70,000। एक ही बात है क्या? बहुत मुश्किल चीज पढ़ा दी मैंने। अब वर्किंग प्रोसेस में और क्या क्या आता है वो आप बताएंगे मुझे। सवाल पढ़ते हैं आगे, क्या ख्याल है ना? सवाल पढ़ते हैं। ड्यूरिंग मार्च जॉब नंबर 20, 21, 22, 23 वर स्टार्टेड। भाई बोल रहा है मार्च के महीने में जॉब नंबर 20, 21, 22, 23 बनाना शुरू की। एक लम्हे के लिए पता है आपको क्या लगेगा? पता नहीं आपको लगेगा या नहीं, आप तो सुन हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। एक लम्हे के लिए आपको ऐसा लगेगा, लो भाई 20, 21, 22, 23 बनना शुरू ही, अब तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा कि कितने कितने रुपए की कौन सी जॉब बनी। लेकिन मजे की बात है, आज वो ये तो कह रहा है कि 20, 21, 22, 23 बनाना शुरू की, लेकिन अगले ही जुमले में देखना क्या उसने ये बताया कि किस जॉब पर कितना मटेरियल लगा। बताओ, अगला ही जुमला पढ़ो तमीज से और बताओ क्या उसने बताया किस जॉब पर कितना मटेरियल लगा, बोलो। अबे जब है बोला, कहाँ बोला भाई, किधर बोला बिस्मा, जुमला पढ़ो। ड्यूरिंग मार्च जॉब नंबर 20, 21, 22, 23 वर स्टार्टेड, और डायरेक्ट मटेरियल 37,520 पे लगाए, 21 पे लगाए, 22 पे लगाए, 23 पे लगाए, 18 पे लगाए, 19 पे लगाए, किस पे लगाए, कहाँ दिया हुआ बिस्मा मेरा बेटा? डायरेक्ट मटेरियल 37,500 रुपए का लगा, किस जॉब पे लगा बताओ ना। तुम सब लोग बोल ही नहीं रहे हो यार, हेमंत भी खामोश है, सब पे लगाए ना, तो यही तो बोलना है। मैं पूछ रहा हूँ क्या किसी एक जॉब पे लगा ये बताया हुआ है? देखो ना, जब इतनी सारी जॉब आती है 20, 21, 22, 23 तो आपके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि यार ये सब जॉब बता रहा है 20, 21, 22, 23 बनाना शुरू किए, फिर ये बोलेगा 22 और 23 बना ली, 24, 25 बना ली, तो फिर उनकी कीमत निकालनी पड़ेगी। वो भाई कीमत निकालनी तब पड़ेगी जब वो ये बताए किस जॉब पे कितने रुपए लगे। वो तो बोल रहा है 37,500 रुपए का लगा है डायरेक्ट मटेरियल, किस जॉब पे लगा है हमें क्या पता। तो इसका मतलब है आज हमें अलग अलग जॉब की कीमत निकालने की जरूरत नहीं है, है ना? तो मैं आपकी परमिशन से यहाँ पे लिख दूं डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए लगा, 37,500, राइट? बोलो नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ यार। अफसा बेटा समझ आ रहा है, मरियम परवेज कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, समी भाई की पार्टिसिपेशन नहीं है, अलैना चुप है, वरदा चुप है, थोड़ा बहुत जवाब दे देती है बेचारी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस और नो ही बोल दो, थक गए हो तो बोल दो, खत्म कर दें क्लास, खत्म कर देता हूँ भाई, आगे चलूं? इजाजत है? समझ आ रहा है? अच्छा, और WIP में क्या चीज जाती है बोलो, और WIP में क्या चीज जाती है बोलो, डायरेक्ट लेबर जाती है, पढ़े आगे अंग्रेजी क्या लिखा है पढ़ो। कह रहे हैं एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ 1800 hours एट एन एवरेज रेट ऑफ 15 पर आर यूज ड्यूरिंग द मंथ, और 1800 घंटे काम करवाया मजदूरों से 15 रुपए फी घंटा के हिसाब से महीने के दौरान। कितने घंटे काम कराया? 1800 घंटे और 15 रुपए फी घंटा के हिसाब से काम करवाया महीने के दौरान। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पता चल गई, लिख के भेज दी तुमने मुझे, हाँ 1800 को 15 से कर दिया बच्चों ने मल्टीप्लाई, 27,000 रुपए।
नहीं पूछ रहे तो तुम्हारी मर्जी है, आगे पढ़ लूं। प्री डिटरमाइन एफओएच अप्लाइड रेट इज ₹10 पर डायरेक्ट लेबर आवर ऑन ऑल जॉब्स स्टार्टिंग इन मार्च, और जितनी जॉब मार्च में बनानी शुरू की ना उन जॉब को बनाने के लिए उनके ऊपर एफओएच का क्या रेट लगाया, जितने घंटे काम हुआ है मजदूरों का उन घंटों पे ₹10 फी घंटे के हिसाब से रेट लगा दिया। जवाब बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, 2700 समी भाई, 2700 लिखूंगा मेरे दोस्त, 1800 घंटे थे, ₹10 का रेट है, 18,000 जवाब आता है भैया आजकल। या तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा या फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे, या कोई मसला है आपके साथ आप मुझे बता नहीं रहे। अगर आपको लग रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा तो मुझे बता दें, आपका एहसान होगा मुझ पर। नहीं आप, मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ समी भाई के सिर्फ 2-3 लोग मुझे जवाब भेज रहे हैं यार। वरदा ने 18,000 लिख के भेजा है, बिस्मा ने 18,000 लिख के भेजा है, आपने मुझे जो है गलती से 2700 लिख के भेज दिया, बाकी तो कोई मरियम परवेज ने भी भेजा था 18,000, बाकी किसी ने लिख के ही नहीं भेजा, मैं क्या करूँ यार। मतलब बाकी सब लोग खामोश बैठे हैं, उन्हें लग रहा है कि बहुत मुश्किल सवाल है। मुश्किल क्या है इसमें, आपने जनरल जनरल बना लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कंप्यूटेशन सिखा दी है, अब तो ये चैप्टर जो है ना तकरीबन 60-70% हो गया, अब हम इसको फिनिश लाइन के करीब लेके जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये चीजें देख लें, आगे बढ़ूं आप इजाजत है। अगली मीटिंग, ये मीटिंग भी कहीं खत्म ना हो जाए फिर मैं बता रहा हूँ अगली मीटिंग पे चला जाऊंगा, मेरा दिमाग ऐसे ही है, इसलिए शराफत से पहले इसको मुकम्मल करते हैं, मुकम्मल करते हैं इसे। अच्छा तो भाई अब तीन चीजें पता चल गई यार, यहाँ का टोटल तो तुम कर लोगे, क्या ख्याल है, लो कर लो 247500, लेकिन यहाँ पे क्या क्या पता है तुम्हें, आओ आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी जॉब नंबर 23 वॉज द ओनली इनकम्प्लीट जॉब एट द एंड ऑफ मार्च, भाई खुदा रा सुन लेना, हाँ तुम्हारी मेहरबानी होगी मुझ पर। जॉब नंबर 23 वो वाहिद जॉब है जो इनकम्प्लीट है और वो मार्च के एंड पर बची हुई है, इसका मतलब है उसने बता दिया कि एंड पर एक जॉब बची हुई है, और कहता है उसमें डायरेक्ट मटेरियल लगा है 15,000 का, डायरेक्ट लेबर लगी है, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे तुम सब, चलो 4-5 लोगों ने तो जवाब दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जॉब नंबर 23 एंड पर बची है, बैलेंस सीडी जॉब 23 एंड पर बची है, जो इस महीने की एंडिंग होगी और यकीनन अगले महीने की ओपनिंग होगी, क्या ख्याल है ना, ये मार्च 31 को बैलेंस होगा, हम बैलेंस शीट पे कुछ लिखते नहीं है। बैलेंस शीट जॉब 23 कितनी अमाउंट पे मुश्तमिल, हर जॉब में तीन फैक्टर लगे हुए होते हैं, कितने बताया उसने, पहला कौन सा बताया उसने डायरेक्ट मटेरियल 15,000 प्लस डायरेक्ट लेबर बताई कितनी 9,000, और क्या नहीं बताया जल्दी बोलो एफओएच अप्लाइड नहीं बताया। अब एफओएच अप्लाइड निकालोगे और यहाँ लिखोगे तो तुम्हें डब्ल्यूएपी एंडिंग पता चल जाएगा, जब डब्ल्यूएपी एंडिंग पता चल जाएगा तो तुम अल्लाह के हुक्म से फिनिश गुड्स कंप्लीटेड की वैल्यू निकाल लोगे। अभी हमारी अमाउंट फाइनल नहीं है, याद रहे इसको, मैं रेड कर देता हूँ, अभी ये अमाउंट फाइनल निकलेगी, अभी इसमें से दो गिवन है, एक अमाउंट और पता होनी चाहिए, फिर डब्ल्यूएपी एंडिंग पता चल जाएगा तो हम फिनिश गुड निकालने के काबिल हो जाएंगे, फिर हम फिनिश गुड के अकाउंट पे काम भी कर सकेंगे, अभी हम फिनिश गुड के अकाउंट पे भी काम नहीं कर सकते, समझे। तो अब इसका एफओएच अप्लाइड निकाल सकते हो तुम लोग, थोड़ा सा हाजिर दिमाग हो जाओगे तो निकल आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम निकाल पाओगे, क्योंकि आज तुम जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो माजरत के साथ, मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग निकाल पाओगे एफओएच अप्लाइड। मैं हेल्प कर देता हूं तुम्हारी, मुझे करनी पड़ेगी हेल्प, आज एफओएच अप्लाइड की अमाउंट निकालनी है। एफओएच अप्लाइड का रिश्ता किससे है ये बताओ, एफओएच अप्लाइड निकालना है, एफओएच अप्लाइड का रिश्ता किससे है, तुमने बोला सर एफओएच अप्लाइड का रिश्ता डायरेक्ट लेबर से है, तो डायरेक्ट लेबर गिवन है, बोला हाँ डायरेक्ट लेबर गिवन है, कितनी है डायरेक्ट लेबर इसके अंदर, बोला सर ₹9,000 है, मैंने कहा ओके ₹9,000 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है,
कि आज रिश्ता क्या इस तरह का है कि FOH 80% है डायरेक्ट लेबर का, FOH 50% है, FOH 20% है, FOH 120% है, FOH 150% है, बोलो। नहीं ना, ऐसा रिश्ता तो नहीं है ना। फिर रिश्ता किस तरह से गिवन है जरा देखना सवाल में। उसने FOH का रिश्ता डायरेक्ट लेबर R से करवाया है, बोला है FOH होगा 10 रुपए फी घंटा और FOH होगा डायरेक्ट लेबर आर्स की बेस पर। तो मुझे इसमें डायरेक्ट लेबर तो इसके अंदर की पता है 9,000 रुपए, मुझे उस डायरेक्ट लेबर के क्या पता होने चाहिए बोलो। मुझे WIP एंडिंग के अंदर की डायरेक्ट लेबर तो पता है, मुझे उस डायरेक्ट लेबर के क्या पता होने चाहिए बोलो। आर्स, मुझे इस डायरेक्ट लेबर के आर्स पता होने चाहिए। कितने लोगों ने जवाब दिया? एक्सीलेंट भाई, बहुत बड़ी बात है, 4-5 लोगों ने जवाब दे दिया। मुझे लग रहा है कि आप जाग चुके हैं माशाल्लाह। वरदा, बिस्मा, मरियम परवेज, सैयदा लहना और एमन, आप सबका मैं नहाय शुक्र गुजार हूँ, आप सबने बताया। मुझे इसके आर्स पता होने चाहिए। सर क्यों पता होने चाहिए? ओ भाई, FOH अप्लाइड निकालने का तरीका क्या है बताओ ना मुझे। इधर इधर बक दो, ऐसा करो इधर बको। FOH अप्लाइड कैसे निकाला बोलो, इधर लिखवाओ मुझे कैसे निकाला FOH अप्लाइड। 1800, 1800 क्या थे? लेबर आवर्स मल्टीप्लाई बाय क्या किया? मल्टीप्लाई बाय बोलो ना क्या किया। FOH का रेट क्या था? 10, याद आया? ऐसे किया है सर, समझ में नहीं आ रहा। अभी बेफिक्र रहो बेटा, घर छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, बिल्कुल घर छोड़ दूंगा आज, परेशान ना हो, बिल्कुल घर छोड़ूंगा अल्लाह के हुक्म से। 1800 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये लो यहाँ पे भी लिखता हूँ तुम्हारे लिए खूबसूरत लोगों, ये लो ब्रैकेट ऑन 1800, 1800 मल्टीप्लाई बाय, 15। सर 15 समझ नहीं आ रहा बेटे, आप क्या करूं, आप लोगों को नशे ही नहीं उतरते हैं तो आपको समझ कैसे आएगा। 1800 मल्टीप्लाई बाय 15, सर ये समझ नहीं आ रहा 1800 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या मतलब है, क्योंकि आप लोग वहां मिस्टेक करेंगे ना, मुझे पता है भाई। ये 27,000 से अगर घंटे निकालने हैं तो 27,000 को क्या करूंगा 15 से, क्या ख्याल है? डिवाइड करूंगा। अच्छा इसी तरह अगर मुझे अगर मुझे इधर FOH अप्लाइड मालूम करना है और मुझे WIP एंडिंग के अंदर की डायरेक्ट लेबर पता है 9,000, तो ये 9,000 डायरेक्ट लेबर आर कैसे आए होंगे? ये डायरेक्ट लेबर अमाउंट कैसे आई होगी? ये रुपीस कैसे आए होंगे? मैंने डायरेक्ट लेबर की अमाउंट निकालने के लिए घंटे आर्स मल्टीप्लाई क्या होगा आर्स को बोलो किससे, 15 से, ऐसा ही है इक्वेशन बना दी। और क्या करूं भाई तुम्हारे लिए इससे आसान, तुमने आर्स को 15 से मल्टीप्लाई किया होगा, डायरेक्ट लेबर की कीमत आई होगी, तो तुमने 9,000 को 15 से डिवाइड कर दिया, तुम्हें 600 घंटे पता चल गए, यही है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है। पहले ये तो बताओ 600 घंटे पता चल गए, लोगों ने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, अल्लाह माफ करे, बोलने 9,900 घंटे। अबे बेवकूफों, ये डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, डायरेक्ट लेबर का रेट था 15, तो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट को 15 से डिवाइड करोगे तो घंटे पता चलेंगे, सही सही है। कुछ लोग 10 से कर रहे हैं इसे डिवाइड और 900 लिख रहे हैं, 10 से नहीं करेंगे, 10 से तो यहाँ करेंगे। अब FOH अप्लाई होता है डायरेक्ट लेबर आर्स की बेस पर, आर कितने हैं 600 मल्टीप्लाई बाय एक आर का रेट कितना है FOH का, 10 रुपए, तो ये FOH की अमाउंट आ गई अल्हम्दुलिल्लाह 6,000। मैं इधर आया और मैंने यहाँ लिखा 24,000 जमा 6,000, मुझे WIP एंडिंग की अमाउंट पता चल चुकी है। उसको हरा इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमने ये अमाउंट निकाली है और इसका इसका जो कनेक्शन है वो FOH अप्लाइड से बनता है, सही है। छोटा सा एरो बना दूं अगर आप कहें तो, कि अमाउंट कैसे निकली है। ओके, FOH अप्लाइड की अमाउंट आ गई और ये अमाउंट की मदद से ही हमने ये सारा मामला किया है, वरना यानी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये अमाउंट है, 6,000 इसके अंदर है और 2 अमाउंट गिवन थी, ठीक है, और 9,000 इसके अंदर की लेबर से हमने लिंक बना के निकाला है। आमतौर पे क्या होता था, पिछले सवालात में डायरेक्ट लेबर देता था, कहता था डायरेक्ट लेबर का 50% FOH है, तो हम उल्टा रिवर्स करके 100 डिवाइड बाय 50, 50 डिवाइड बाय 100 करके निकालते थे ना, लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट अंदाज इख्तियार किया। जो लोग मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं ना, मुझे उनको शदीद गुस्सा आता है, पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, फीस दे के भी नहीं पढ़ते हैं यार, पता नहीं। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो मुझे बता दें, मैं बेकार में पागलों की तरह आप पे इतनी मेहनत करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ, ऐसा करता हूँ,
लाइफ पढ़ने की बात ही अलग है, सवाल जवाब करता है इंसान, पता चलता है क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि कितने रुपए का सामान बना लिया आज? सवाल में उसने बताया हुआ नहीं है, अगर आप गौर से देखें कितने का सामान बनाया। आप मुझे बता सकते हैं हमने कितने रुपए का माल बना के फिनिश गुड्स में भेजा होगा? जवाब बता रहे हैं आप सब मुझे? वक्त खत्म हो जाएगा अगर नहीं बताएंगे आज। 2,17,500 रुपए का सामान बनाकर भेजा होगा। दोनों साइड बराबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से जो WIP से 2,17,500 क्रेडिट हुआ वो लाजमी फिनिश गुड्स के अकाउंट में 2,17,500 डेबिट हुआ होगा। एग्री करते हैं इस बात पे? 2,17,500 यहाँ से क्रेडिट, यहाँ डेबिट। एग्री? एग्री। ओके, सवाल में लिखा है फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनाना है। सवाल में फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनाने को कहा है, तो मैंने भी बना लिया है। सही है। अब जरा हेल्प करें, सवाल पढ़ते हैं आगे। आगे कहता है एट द एंड ऑफ मंथ जॉब नंबर 22 वॉज द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड। पहले तो आप ये बताएं, आपको फिनिश गुड्स ओपनिंग पूरे सवाल में कहीं नजर आ रही है तो मुझे भी बता रहे खुदा रहा। उसके जीरो होने का जिक्र नजर आ जाएगा आपको। मैं बताऊं कहां? रिक्वायर्ड के ऊपर वाली लाइन पढ़े। लो भाई आखिरी 10 मिनट का अलार्म आ गया। रिक्वायर्ड के ऊपर वाली लाइन पढ़े। देयर वॉज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स। क्या लिखा? देयर वॉज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स। इससे बढ़कर और क्या सबूत चाहिए? तो यहाँ पे क्या लिख दूं? बीकॉम पार्ट टू? नहीं, जीरो लिख देता हूँ। हाँ, फिनिश गुड्स ओपनिंग जीरो। अब इसका मतलब है इस साइड का टोटल लाजमी 2,17,500 ही बनेगा। क्या ख्याल है? अगर यहाँ 2,17,500 तो यहाँ भी 2,17,500 है। अब आओ बाकी पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? तवज्जा चाहता हूँ तुम सबकी। हाँ, बहुत तवज्जा चाहता हूँ। कह रहा है एट द एंड ऑफ मंथ जॉब नंबर 22 वाज द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड। महीने के आखिर में जॉब नंबर 22 बची हुई है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जॉब नंबर 22 जो बची हुई है, जॉब 22 बची हुई है, जिसकी कीमत है टोटल कितने रुपए? 27,250। इसका मतलब है हम अल्हम्दुलिल्लाह क्या निकालने के काबिल हैं? बोलो, हम क्या निकालने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह? बोलो, उस सामान की कीमत जो हमारे पास से चला गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या ख्याल है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल ली सबने, 190,250। सही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवाब हमने निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जवाब निकाला 30, और फिर हमने 2,17,500 की मदद से यहाँ पर भी जवाब निकाल लिया। राइट, यहां तक अगर आप जिंदा हैं तो इसके बाद एक छोटा सा टी अकाउंट और बनाना है। किस चीज का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। किस चीज का? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट बना लिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर फिनिश गुड्स हुई है क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लाजमी हुई होगी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लाजमी हुई होगी डेबिट। कितने रुपए से? 190,250। क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस होता है? क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी ओपनिंग एंडिंग बैलेंस होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो एक्सपेंस है, ईयर एंड पे क्या हो जाता है? ईयर एंड पे क्या हो जाता है? क्लोज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 190,250, बशर्ते के ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड ना हो। क्या हो? ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड ना हो। याद आया? ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड अगर होगा तो वो यहाँ प्लस, यानी वो भी यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अंडर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को बढ़ाता है, ओवर अप्लाइड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करता है। याद आ गया? बस दोनों साइडों पर डबल लाइन लगा देंगे। लेकिन अभी मैंने फर्श किया है कि मेरे पास ओवर अप्लाइड अंडर अप्लाइड नहीं है। सुन रहे हो ना? फर्श किया है।
अगर होगा तो वो भी यहाँ पे आएगा, आप सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तीन जी अकाउंट बन गए, पता नहीं आपको पता चला या नहीं पता चला, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, मैंने सवाल सॉल्व कर दिया। हालांकि मेरा इरादा था ये सवाल मैं आपको असाइन करूंगा होमवर्क में, लेकिन क्या करूं, जह नसीब आपके, आप इतने प्यारे रिप्लाई कर रहे थे कि मुझे मर के ये सवाल करना पड़ा। मैंने कहा नहीं कर ही दे इमरान खान, ये तो बच्चे ऐसे रिप्लाई कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, आप कर नहीं पाते इसे। बताइए, नहीं समझ आया तो कुछ पूछ लें। अकाउंट तीन कंप्लीट हो गए, अब रिक्वायर्ड पढ़ने टू क्या कह रहा है, प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। अब ये एंट्रीज भी अगर ना बना सके तो मुझे बता दें, मैं बना देता हूँ, या बना सके तो फिर बताते जाइएगा कम से कम। हाँ, जर्नल एंट्रीज बना के दिखाओ। कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉब्स स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, कह रहे हैं वो जो जॉब तुमने मार्च में बनाई है उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है, उनके ऊपर जो खर्चा हुआ है, उनके ऊपर जो जॉब्स तुमने मार्च में बनाई है उसकी एंट्री बनाओ। कितने तरह के खर्चे होते हैं, कितने तरह के खर्चे होते हैं, तो तुम उनकी कितनी एंट्री बनाओ। हफ्सा दो होते हैं, हफ्सा क्या कर रही हो, तुम्हारा तो बेटा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत, तुमने ना ये छुट्टी करके ना बहुत नुकसान कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल आउट ऑफ टच हो, लग ही नहीं रहा कि तुम्हें आती है चीजें। प्रोडक्ट बनाने पे कितने खर्चे होते हैं बेटा, इतना सिंपल लिखा है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन जॉब्स स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में जो जॉब बनानी शुरू की है उसकी एंट्री बनानी है। बस दो लोगों का जवाब आया, वर्दा का जवाब आ गया, अलैना का जवाब आ गया, और हफ्सा ने जो जवाब दिया उससे मैं मुतमईन नहीं हूँ, बाकी लोग जवाब देना चाहते नहीं है। हेमंत को पता नहीं है मैं क्या पूछ रहा हूँ, और ईशा भी बेचारी आज मासूम बनी हुई, उसे भी नहीं पता, बिस्मा को भी नहीं पता मैं क्या पूछ रहा हूँ। ओ भाई, जॉब बनाने के लिए उस पर कितने खर्चे करते हैं, क्या हो गया तुम सब लोगों को, तीन खर्चे करते हैं ना जॉब बनाने के ऊपर, कौन कौन से बको सब लोग, डीएम डीएल एफओएच याद आया या नहीं, डीएम डीएल एफओएच अप्लाइड, तो भाई तीन एंट्री बनानी है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल इन्वेंटरी क्रेडिट। सर अमाउंट कहां से आएगी, तो भाई ये निकली हुई तो है अमाउंट, डब्ल्यूआईपी डेबिट पेरोल पेबल क्रेडिट, ये अमाउंट लिखी हुई है, डब्ल्यूआईपी डेबिट एफओएच अप्लाइड क्रेडिट, ये अमाउंट लिखी है। तीन एंट्री बन गई इस एक पॉइंट की, पॉइंट ए की तीन एंट्री बन गई। अब बी पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, किस चीज की एंट्री बनानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री। अरिशा आवाज कट रही है मेरी, इंटरनेट का इशू होगा अरिशा आपके पास, क्योंकि मेरे पास से तो आवाज प्रॉपर जा रही है, और मैं तो इस वक्त वो भी यूज नहीं कर रहा, मैं तो इस वक्त वो भी यूज नहीं कर रहा हूँ माइक, तो मेरी आवाज तो आनी चाहिए। आप हो सकता है मेरे एंड पे इंटरनेट का इशू हो, लेकिन मेरे हिसाब से बाकी सबको आवाज जा रही है, वरना और भी लोग कह देते ये प्रॉब्लम है। ओके भाई, ओके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री बताएंगे आप लोग मुझे क्या बनती है, या बोल दें नहीं आती हमें, क्योंकि आज तो आप लोग ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आपने मेरा ब्लड प्रेशर डाउन कर दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री पता है आपको क्या बनती है इस चैप्टर में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक वरदा, दो मरियम, आप सिर्फ अकाउंट के नाम लिख दें मुझे पता है कौन डेबिट कौन क्रेडिट, अलैना तीन, समी चार, एमन पांच, रिमशा छः, नौ में से छह बच्चों ने जवाब दे दिया, मेरी सेहत के लिए काफी है। फिनिश गुड डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड की एंट्री है, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह टी अकाउंट बनाने से तुम्हें ये पता चल गया, अगर टी अकाउंट ना बनाते तो तुम्हें ये नहीं पता चलता, जब ये नहीं पता चलता तो एंट्री की अमाउंट पता नहीं चलती, तो बेटे आज तुम एंट्री बनाने के काबिल हो अल्हम्दुलिल्लाह। सी पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, सेल की एंट्री बनानी है, और डी पॉइंट में कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनानी है। सेल की एंट्री मैं बता देता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अमाउंट तुम बता दो मुझे, सर कैसे बताएं अमाउंट, आओ अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, देयर वॉज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स, ये रिक्वायर्ड के ऊपर वाली आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ, देयर वॉज नो बिगिनिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स, जॉब्स कंप्लीटेड वर सोल्ड ऑन अकाउंट,
एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ये बताओ हमने कितने रुपए का सामान बनाया, इतने का बनाया, क्या हमने ये सारा बेचा? बेटे हमने कॉस्ट, ये फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनाया, उससे हमें पता चला ना हमारे पास से कितने का सामान गया, हमारे पास से 190250 का सामान गया। ये हो गई एंट्री नंबर डी की अमाउंट। एंट्री नंबर डी क्या बनेगी? एंट्री नंबर डी बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट इस अमाउंट से 190250। और एंट्री नंबर सी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, वो कैसे बनेगी? 190250 मल्टीप्लाई बाय 120%। 20% ऑन कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट हो गई 100 और 20% उसके ऊपर एक्स्ट्रा रख दिए, कॉस्ट हो गई 100, 20% ऑन कॉस्ट का मतलब कि कॉस्ट पे 20%, तो कॉस्ट हो गए 100 और 20% उसके ऊपर रखा तो 120% बना। 228,300 रुपए से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। मेरे मुताबिक मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है और आपको समझ में नहीं आया, एंट्रीज मैंने लिख के नहीं बनाई, और मैं समझता हूँ कि मैं अगर एंट्रीज अब लिख के बनाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है। आखिरी मिनट चल रहा है, मुझे होमवर्क असाइन करना है, जरा दोबारा से मीटिंग में आ जाए सब लोग, शाबाश। मुझे होमवर्क असाइन करना है, थोड़ी देर लगेगी लेकिन मैं असाइन करूंगा होमवर्क, सही है।